1 अक्टूबर 2022 को इंडिया में 5G लॉन्च किया गया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस में, लेकिन अभी सिर्फ जनवरी का ही महीना आया है और जियो का 5G इस समय 100 से ज्यादा शहरों के अंदर अवेलेबल है इंडिया में। यहां तक कि एयरटेल की बात करें तो 30 से ज्यादा शहर इंडिया के ऑलरेडी कवर कर चुका है। और एक बात बताऊं, ये दुनिया में देखा है तो दूसरे देशों के कंपेरिजन में एक फास्ट रोल आउट है। ये कुछ कुछ जियो के 4G जैसा है, यानी कि 2016 में किसी ने नहीं सोचा था कि जियो की 4G जैसी आंधी आएगी, रेट्स कम हो जाएंगे, फ्री में मिलेगा 4G, हर कोई यहां पे यूज करने लगेगा। और वैसी कुछ चीजें लग रहा है कि 2023 में भी 5G के साथ रिपीट हो सकती है। अब आखिर चल क्या रही है पीछे कहानी, इन सब के बारे में वीडियो के अंदर यहाँ पे बात करते हैं। पसंद है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। देखो, सबसे पहले काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। 2016 से पहले जब जियो अपनी एंट्री लेने वाला था ना, तो उस जमाने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने मना कर दिया था कि आप यहाँ पे 4G ओनली नेटवर्क के ऊपर क्यों काम कर रहे हो, आपको 2G 3G की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और टोटली 4G नेटवर्क इंडिया में तो चलेगा ही नहीं। लेकिन आपको मालूम है जियो ने ये चैलेंज लिया और जियो ने लिटरली पूरे इंडिया में अपना 4G ओनली नेटवर्क डाला। यानी कि जब जियो ने शुरुआत करी थी तब ये दुनिया का सबसे बड़ा 4G ओनली नेटवर्क था। यहां तक कि उस समय ये भी कहा गया था कॉलिंग के लिए 2G 3G की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्होंने VoLTE का यूज करके 4G कॉलिंग को सर्विस को प्रोवाइड किया। जबकि कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला था कि यहां पे 4G कॉलिंग जो VoLTE ना वो अनस्टेबल है इतने बड़े मास स्केल के लिए, लेकिन ये सारी चीजें जियो ने यहां पे गलत साबित कर दी थी। उसके बाद एयरटेल वगैरह ने भी इससे इंस्पिरेशन लिया और अपने नेटवर्क को भी अपग्रेड किया। अब यही एक कहानी यहां पर इंडिया के अंदर हो रही है। देखो, इंडिया से पहले जो 5G है ना, यहां पे अलग अलग कंट्रीज में हम लोग देख चुके हैं। अब सबसे पहले बात किया तो 2019 में जिस टाइप का 5G इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था मिलीमीटर वेव का, जिसे रियलिटी में 5G माना जाता है, जो कि लिटरली 20 GBPS की स्पीड्स को यहां पे प्रोवाइड कर सकता है। और इवन USA के अंदर भी इसी को इंप्लीमेंट किया गया था और इसी को एज अ 5G मार्केट किया गया था, क्योंकि लिटरली जो स्पीड्स थी वो नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि आपको बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे और यहां पर देखा जाए तो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, यानी कि एक मोबाइल फोन टावर के बीच में दीवार भी आ गई तो स्पीड्स बहुत तेजी से कम हो जाएंगी। ये कुछ कमियां थी। और देखा जाए तो जब इंडिया में जब 5G रोल आउट हो रहा था तो उसे होने में काफी ज्यादा डिले हुआ और उस चीज को यहां पे जियो और एयरटेल ने महसूस किया और देखा कि यहां पे जो बाहर के देशों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम इंडिया में क्रिएट ना होने दें और उनकी गलतियों से सीखे और अपने यहां की स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड करें। और यही एक कहानी यहां पर हो रही है। मतलब अगर मैं इंडिया के नेटवर्क की बात करूं, जैसे सबसे पहले जियो की बात करता हूं, जियो देखा तो आज के समय में दो टाइप के बैंड्स में यहां पे काम कर रहा है, N78 और N28 बैंड पे, जहां पे N28 है आपका 700 मेगाहर्ट्ज का। उसके चलते वो यहां पे 5G सिग्नल्स को प्रोवाइड करवा पा रहा है घर के अंदर भी, क्योंकि देखा जाए तो घर के अंदर लोगों को 5G चाहिए। लेकिन वहां पे अभी दिक्कत क्या रहती है कि सिग्नल कम स्ट्रेंथ हो जाती है नॉर्मल 5G की, जिससे लोग हाई स्पीड का यूज नहीं कर पाते, और 700 मेगाहर्ट्ज का यूज करके वो घरों के अंदर तक 5G पहुंचा सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसको अगर मैं 4G के साथ कंपेयर करूं तो 4G कंपैरिजन में जो 700 मेगाहर्ट्ज का 5G बेटर स्पीड देता है। मतलब कि अभी अगर मैंने स्पीड टेस्ट यहां पर किया तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90 टू 100 MBPS की स्पीड आ रही है और ये N28 बैंड का यूज कर रहा है, और वो भी एक ऐसी जगह पे जो कि बिल्कुल ही अंदर बनी हुई है, क्योंकि यहां पे जो दूसरे टाइप के सिग्नल्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसे देख के हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली में 5G को ये लोग यूजलेस से यूजफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग घरों के अंदर भी 5G को यूज करते रहे। ये प्रॉब्लम देखा तो कई जगह फेस की गई थी, क्योंकि 5G अनस्टेबल था, कुछ खास जगह चलता था और लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता था 5G को एक्चुअली में यूज करने के लिए। इस प्रॉब्लम को देखा तो जियो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ मैं जियो की बात नहीं कर रहा, एयरटेल भी अपने हिसाब से चीजें फोकस कर रहा है। एयरटेल अभी इस समय N78 बैंड पे चलता है, और एयरटेल की बात करें तो वो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पे, यानी कि एग्जिस्टिंग जो 4G टेक्नोलॉजी है उसी का ही यूज करके आपको 5G प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एयरटेल के साथ ये कि एयरटेल स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, साथ ही साथ एयरटेल के 5G के अंदर कोई इनवाइट सिस्टम नहीं है। इसी के साथ ही एयरटेल के 5G में जो आपका करंट 4G प्लान है उसी का यूज करके यहाँ पे आप 5G का यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ये कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे एयरटेल के साथ। और तो और एयरटेल के बारे में एक और बात यहाँ पर मैंने सुनी है कि जो मेट्रो सिटीज रहती है ना, वहाँ पे एक अच्छा और एक स्टेबल नेटवर्क भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग 4G का ही यहाँ पे यूज कर रहा है नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में, जिससे आपको एक अच्छा 5G का एक्सपीरियंस यहाँ दिया जा सके। और इस टाइप की चीज बाहर भी लोगों ने यहाँ पे ट्राई करी थी। लेकिन बात करें तो बाहर और इंडिया के अंदर यहाँ पे फर्क क्या है। देखो, बाहर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 5G के चार्जेस बहुत ज्यादा थे, लिमिटेड था, अनस्टेबल था,
ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में पता कैसे फिक्स कर रहे हैं? सबसे पहले तो जियो अपना वेलकम ऑफर लेकर आई है। बाहर सबसे बड़ी दिक्कत है कि 5G महंगा है। इंडिया में जियो ने क्या किया कि 5G हर किसी तक पहुंचे, इसलिए अभी इस समय 5G को फ्री कर दिया है और इनवाइट ओनली सिस्टम पे रखा है। जिसके पास इनवाइट होगा वो 5G का अनलिमिटेड डेटा यूज कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रूली अनलिमिटेड है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि एक इनवाइट बेसिस पर हर किसी को मिलता नहीं है। अगर आपके एरिया में 5G आ गया तो आपको हो सकता है कुछ दिन यहाँ पे इंतजार करना पड़े, उसके बाद आपको इसका एक इनवाइट मिलेगा और उसके बाद लिटरली आप हाई स्पीड में 5G का यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और बेसिकली जियो ने इस टाइप की चीज क्यों डिप्लॉय करी है? देखो, जियो यहाँ पर अभी क्या चाहता है कि उसे पता है कि अभी यहाँ पे उसका 5G स्टेबल नहीं है। वो लोग स्टैंड अलोन पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग टावर होता है ना उसके ऊपर मॉड्यूल्स यहाँ पे लगा रहे 5G के, जिससे वो जो पर्टिकुलर साइट होती है वो 4G के साथ साथ 5G के अंदर भी अपग्रेड हो जाएगी। और अगर आपका फोन उस साइट के अंदर आता है और आपका फोन अगर कंपेटिबल है तो आपको कुछ दिन के अंदर अंदर उस फोन के अंदर 5G का इन्वाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप उस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जियो ने यहाँ पर क्या किया कि पूरे इंडिया में ज्यादातर शहरों को कवर करो और उन शहरों में जो की लोकेशंस होती है ना पहले वहां पर जाओ और उसके बाद वहां से धीरे धीरे एक्सपेंड करो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 5G यहाँ पे कमर्शियल ले आएंगे, लोगों से पैसा लेने लगेंगे ना, तो लोग उसके लिए पैसे देंगे भी नहीं। इसके साथ ही दिक्कत ये भी आएगी कि लोग यहाँ पे कंप्लेंट करेंगे। अभी 5G जब तक फ्री रहेगा तो लोग इतनी कंप्लेंट करेंगे भी नहीं, और जब लोगों को फ्री में 5G अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलेगा तो लोग भी खुश रहेंगे कि चलो कम जगह चलता है लेकिन जहां चलता है वहां अच्छा चलता है और अनलिमिटेड रूप से इसका यूज कर सकते हैं। ये जियो की काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। इवन बात करें तो बाकी देशों के अंदर जहां पे मिलीमीटर वेव पे ज्यादा फोकस था ना, इंडिया में मिड बैंड और सब 6 गीगाहर्ट्ज और जो लो बैंड होता है ना उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस रखा गया है, जिसका यूज करके हाई स्पीड और स्टेबिलिटी पे यहाँ पे काम हो रहा है। ये एक चीज यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व करी है। धीरे धीरे कुछ लोगों को 5G यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद जैसे जैसे लोग यहाँ पे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों का फीडबैक लिया जाएगा, नेटवर्क को इम्प्रूव किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। और जैसा बोला गया कि 2023 तक पूरे इंडिया में लोग 5G लेंगे, तब तक 5G स्टेबल हो जाएगा और लोगों को 5G की आदत लग चुकी होगी और उसके बाद ये लोग अपने 5G के प्लान्स भी यहाँ पे लेंगे। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि जहाँ दूसरे देश 5G के अंदर हाई स्पीड प्रोवाइड करके रुक गए, इंडिया में क्या हो रहा है कि 5G के बाकी फीचर्स पे भी काम हो रहा है, जैसे VoNR कॉलिंग वाला 5G। अगर फोन के अंदर 5G चल रहा है तो आप अगर जो कॉल प्लेस करेंगे वो भी 5G नेटवर्क का यूज करके होगी, उसके अंदर वो 4G पे LTE पे डाउनग्रेड नहीं होगा। ऐसे ही 5G कैरियर एग्रीगेशन पे भी काम चल रहा है। लेकिन एक जगह जहां पे 5G में अभी भी काम होना बाकी वो है अपलोड स्पीड। अपलोड स्पीड अभी भी 5G की उतनी अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन खैर हो सकता है कि आने वाले समय में और इंप्रूवमेंट और एक चीज यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन देखा तो 5G तरह से 2019 में शुरू हुआ था। शुरुआत में काफी ज्यादा हाइप थी, काफी सारे लोगों ने उसे ट्राई किया, लेकिन दोबारा से वो कहीं ना कहीं 4G के ऊपर शिफ्ट हो गए। इंडिया में उसका अपोजिट चल रहा है। इंडिया में वेलकम ऑफर लगा के ये सारी चीजें लगा के लोगों को 5G के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है। और देखा तो जियो और एयरटेल दोनों इसके अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह नेटवर्क को प्रोवाइड करने में लगे हुए और अपने आप के अंदर स्टेबल यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ इसका एक इंपैक्ट यहाँ पे क्या पड़ेगा। इंडिया के पास दुनिया का शायद सबसे बड़ा 5G यूजर बेस हो जाए इन द एंड। यस, ये एक काफी बड़ी चीज होगी। और इसके बाद शायद दुनिया के जो दूसरे देश होते हैं वो इंडिया से सीखे कि इंडिया में इस टाइप की चीजें डिप्लॉय की जाती है तो कैसे की जाती है। इवन जियो का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। शायद जियो से दूसरी दुनिया की कंपनियां सीखे कि कैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती तो लोगों को फ्री में देके उसकी आदत डाली जाती है और उसके बाद उस चीज पे आगे काम किया जाता है। इवन ये भी बता सकता हूं मैं कि अभी समय तो जियो तो अपना 5G अनलिमिटेड डेटा दे रही, लेकिन आने वाले समय में जियो फ्री में IPL भी दिखाएगी। मतलब आप खुद सोचो कि आपके फोन के अंदर 5G अनलिमिटेड डेटा है, ऊपर से उसके अंदर IPL भी आप फ्री में देख सकते हैं। ये कितनी अच्छी चीज रहेगी लोगों के लिए और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इसके नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसके बाद एक बात आती है, जियो और एयरटेल अपने नेटवर्क को किस तरीके से स्टेबलाइज कर पाती है। अभी भी देखा जाए तो अच्छी बात है फ्री में मिल रहा है, लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी देखा जाए तो हर जगह नहीं है। हर जगह 5G अच्छे तरीके से अभी पहुंच नहीं पाया, इसे पहुंचने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन देख के मैं एक बात बता सकता हूँ कि जहाँ इंडिया में लेट 5G आया तो उसका बेनिफिट यहाँ पे पड़ा कि जहाँ दूसरी कंट्रीज का उन्हें एक मॉडल मिल गया कि कौन सी चीज वहां पे काम कर रही, कौन सी चीज वहां पे काम नहीं कर रही, उस चीज को उन्होंने देखा और उस चीज को उन्होंने वहां पे इंप्लीमेंट किया। उन्हें लगा कि मिलीमीटर वेव मास स्केल के लिए नहीं है तो मिलीमीटर वेव उन्होंने लिया है, लेकिन हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। मेरे को लगता है कि जो मिलीमीटर वेव वगैरह रहेगा ना, ये यहाँ पे एयरपोर्ट या कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पे अवेलेबल रहेगा, या जो 5G के वाईफाई हॉटस्पॉट होते हैं वहां पर मिलीमीटर वेव को इंप्लीमेंट किया जाए।
जाएगा, जिस कारण से वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज करके आपको और हाई स्पीड का इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। एयरपोर्ट और कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज हो सकता है। लेकिन मास स्केल के लिए जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी 5G का हुए बहुत ही कम टाइम हुआ और इतनी जल्दी फैल रहा है 5G, ये देख के काफी अच्छा लगा। और इसीलिए देख के लग रहा है कि जो 5G इंडिया का वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफी बेटर है। और एक बात ये भी लगती है कि 5G के बारे में जो हमेशा कहता हूँ कि 5G का हम लोग यूज कैसे करेंगे, शायद जियो यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि लोगों को फ्री में 5G ऑफर दे रही है, 5G अनलिमिटेड डेटा दे रही है, ताकि एट द एंड जो नॉर्मल यूजर होते हैं ना उसके लिए भी कोई यूज केस निकल कर आ जाए कि यहाँ पे एग्जैक्टली में 5G की जो हाई स्पीड होंगी उसका वो एग्जैक्टली में यूज कैसे करेगा। क्योंकि अभी तक बाकी जितने भी एप्लीकेशन हमने देखे ना ज्यादातर चीजें ऑन पेपर रखी गई है, एग्जैक्टली में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी इनमें से किसी चीज का नहीं हुआ। उम्मीद करते कि ये वाली चीज भी यहाँ पे जल्दी क्रैक हो और 5G के एक्चुअली में कुछ यूजफुल एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिले। अभी के समय में बस ये लगता है कि जहाँ पे 4G के सिग्नल वीक हो जाते हैं ना वहाँ पे 5G अपनी अलग जगह बना के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, ये एक चीज यहाँ पर लगती है। बाकी मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों ने एयरटेल या जो इनमें से किसी का 5G यहाँ पर यूज किया तो प्लीज आपका जो एक्सपीरियंस है बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।